नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासी दाव पन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ अपना हर प्राइवेट सेक्टर को बचा रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने में जद्दोजहद में लगा है। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। रायपुर में रोजगार का सुनहरा अवसर, इस कंपनी में नौकरी का मौका। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए एक सुनहरा मौका। रायपुर में रोजगार कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में मारुति जैसी कंपनी भी हिस्सा ले रही है। रायपुर में नौकरी का सुनहरा अवसर है। 10वीं पास युवाओं के लिए रायपुर में रोजगार कैंप लगाया गया है। इस कैंप में मारुति जैसी कंपनी में 100 पदों से भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए 16 नवंबर को आरंभिक प्लेसमेंट कैंप का भी आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट कैंप में 10वीं पास युवक और युवतियाँ नौकरी के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आदिवासियों ने बिगाड़ा खेल, कांग्रेस भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के चंद दिन ही में शेष रह गए हैं। वही नामांकन की अंतिम तारीख भी नजदीक आ रही है। 17 नवंबर को नामांकन की आखिर तारीख है, लेकिन अब तक भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सभी लोगों की निगाहें दोनों ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर टिकी हुई। कांग्रेस के से संभावित उम्मीदवारों सावित्री मडावी के समर्थकों को नामांकन के लिए जाने की सूचना है। इस बीच करीब 500 से ज्यादा आदिवासी के नामांकन लेने की भी जानकारी मिल रही है, जो कहीं ना कहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के समीकरण को बिगाड़ सकती है। सीएम भूपेश से लॉन्च की नेहरू का भारत नामक वेबसाइट, सामाजिक समरता का है उद्देश्य। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवासी कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचार, व्यक्तित्व और कृतित्व में नेहरू का भारत .com वेबसाइट का लोकार्पण किया है। इस लोकार्पण में पंडित नेहरू के विचार और उनके आइडिया ऑफ इंडिया से आम जनता के परिचित कराने के लिए जन जन पहुंचने का उद्देश्य पॉलिसी एजेंसी रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन पार्क द्वारा दिया और वेबसाइट तैयार की गई। इसके अंतर्गत डिजिटल पाक्षिक बुलेट पिन अपना प्रारंभिक किया जा रहा है। इस अवसर पर खौरागढ़ विधायक यशोधा वर्मा, पार्क फाउंडेशन के अध्यक्ष उमा प्रकाश ओझा, सचिव जीवेश चौबे और डॉक्टर राकेश गुप्ता, गौतम बाफादय, पवन चंद्रकार और हरजीत जुनेजा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्क फाउंडेशन के प्रयासों का तुरंत सराहना करते हुए फाउंडेशन के पदाधिकारियों को बधाई दी और शुभकामनाएं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मैंने न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला, ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।